लेकिन माशाल्लाह हमजा जैसे दिमाग भी तो हो ना, माशाल्लाह ही इज जस्ट लाइक सन, यस नो डाउट। हम मैं इसलिए इस तरह बोल रही हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को फॉलो कर रही होती हूँ, तो मुझे पता चल रहा होता है कि इनके घर में क्या हो रहा है, आज क्या पका है, क्या अन्य आज किचन में गई। अच्छा, नेदा, होना चाहिए। हाँ, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि इस तरह की रिलेशनशिप अगर आपका आपके दामाद के साथ है या सास का बहू के साथ है, उसका बहुत क्रेडिट जाता है अगर दामाद है तो बेटी को, बिल्कुल, और अगर बहू है तो बेटे को। एग्जैक्टली ये बहुत क्रेडिट जाता है कि वो कितना बैलेंस रखते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने रिश्तों को, ताकि वो पार्टनर भी वही इंपॉर्टेंस जो है उसको पता हो कि हाँ इसके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा, क्या सच्ची बताए, हमजा के लिए रेड कार्पेट बिछता है जब ये आने वाले होते हैं घर में? हाँ, तो इनके मनपसंद पकवान बनाए जाते हैं या कुछ एक एक तैयारी होती है फेस्टिविटी? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, और मैं अक्सर डाइट पर होता हूँ, मैं बोलता हूँ प्लीज फ्रिज खाली कर दें क्योंकि मैं उसको खाली कर दूंगा। मतलब वो मुझे बस ऐसे लगता है कि स्टीरियोटाइपिकली कि दामाद जी आ रहे हैं, दामाद जी क्या खाते हैं, दामाद जी को क्या पसंद है, ये चीजें नहीं अच्छी लगती। मतलब मुझे फिर बेटे की तरह ट्रीट करें, फिर वो ऐसे वो बहुत प्रायः प्रायः फॉर्म तो वो मेरे आने पे भी करती हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट्स जस्ट के आ रहे हैं तो खुशी मनाए, जैसे हमें चाहते हैं, मम्मा की बहुत पसंद है, होता रहा है कि बच्चों को कभी इसको कल चाउमीन खाना था, मैंने चाउमीन बनाया, इसको पेठा गोश्त पसंद है वो बनवाया। अच्छा, फिर उसको चांपे पसंद है वो आज बनाऊंगी। मीठा किसको पसंद है? मीठा तो सबको पसंद है, हमारे डॉग्स को भी पसंद है। सीरियसली वो बर्फी का डब्बा देखते हैं, वो डॉग्स क्यों नहीं आए भाई? आए, तुम बताती मैं लेके आती, फिर मैं यहाँ ऊपर चढ़ी हुई होती टांगे ऊपर। अच्छा, बर्फी का डब्बा पहचानता है वो, जैसे ही खुलता है फौरन आता है, खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है। अच्छा, क्या बनता है वैसे आपके यहाँ ईद पे? हमजा आप भी बताएगा कि अनिया ज़ाहिर है तुम अब नए घर में गई हो, तो तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आया मीठा मीठा खाने में? शीर खुरमा ही बनता है, वैसे मुझे मीठा इतना ज्यादा पसंद नहीं है। आई एम नॉट, मुझे ज्यादा सेवरी पसंद है, लेकिन ईद पे तो शीर खुरमा बनता है। इस्लामाबाद में जो है ना, बिकॉज हिज फैमिली इज फ्रॉम लाहौर और हम लोग कराची के, तो हम लोगों के वहाँ पे इतने जानने वाले हैं नहीं, तो ईद जिस तरह से कराची में एक बहुत फेस्टिव ओकेजन होता था, उस तरह से इस्लामाबाद में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक दो लोग है मिलने वाले, तो इतना कोई पकवान वगैरह नहीं बनता। अच्छा, बस शीर खुरमा हो गया और एक कोई डिश हो गई वो। एंड आप क्या बनाती है वैसे, आपके घर में क्या ट्रेडिशन है? ट्रेडिशन ये है कि पहले तो शामी कबाब, मिठाई, हाँ, केक, शीर खुरमा ज़रूर बनता है, जो कि 3 दिन चलता है। ओके, ठीक है, उसके 3 प्याले बन के फ्रीज हो जाते हैं। पहले आप पहले ही बना के रख देते हैं? पहले दिन चांद रात को बन के वो, हाँ, फ्रीज हो जाता है। एक जो होता है वो मेहमानों के लिए होता है, क्योंकि पहले दिन की दावत अम्मी की रूटीन थी कि हम लंच वहाँ करते थे, तो अभी वो भाई ने कंटिन्यू की हुई है, तो हम लंच वहीं करते हैं। दूसरे दिन की फिर हमारी तरफ होती है। okay. तीसरे दिन की हमारे एक बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड है उनकी तरफ होती है, तो वो जो 3 प्याले है ना, वो 3 दिन चलते हैं। तीनों इस तरह दिन से चल रहे। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अपना भी डिजर्ट रखें, लेकिन एक इसका भी रखिएगा जगह, कि ये भी उसमें अकोमोडेट हो जाए। अच्छा।